अन्य स्वर चिन्ह भी है। अनुस्वार को हम इस प्रकार लिखते हैं, किसी वर्ण के ऊपर इसे छोटे बिंदु से सूचित करते हैं। अनुनासिक जिसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी है, और विसर्ग जो हम किसी शब्द के अंत में या वर्ण के आगे दो बिंदु से सूचित करते हैं। अब बात करेंगे अनुस्वार के बारे में। जिन शब्दों में केवल और केवल नाक से ध्वनि निकलती है वहां हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यथा अंग, अंश, अंगद आदि। अनुनासिक जिन शब्दों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है वहां अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, आंख, दांत आदि। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के साथ करते हैं, यथा प्रातः, अतः, ततः आदि। अर्धचंद्र, हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को समाहित कर लिया गया है, उन अंग्रेजी के शब्दों के साथ अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं और इसकी ध्वनि आ आ आ और अ के बीच की होती है, इसकी ध्वनि ओ और अ के बीच की होती है, आ नहीं, ओ और अ के बीच की होती है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। हलंत, जब व्यंजन वर्णों को स्वर रहित लिखना होता है तो हम नीचे उन व्यंजन वर्णों के नीचे छोटी तिरछी रेखा लगाते हैं जिन्हें हम हलंत के नाम से जानते हैं, जैसे श्रीमान, यहां न स्वर रहित है और स्वर रहित वर्णों को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की, स्वर वर्ण के संबंध में इतनी ही बातें करेंगे। वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन वर्ण, व्यंजनों की कुल संख्या 33 है जिन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अनुनासिक व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक अर्थात क ख ग घ अंग, उसी प्रकार च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ प भ म, कुल मिलाकर 25 वर्ण हैं। इन क वर्ग से प वर्ग तक के इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन से अभिप्राय वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग को जीवा स्पर्श करती है। मुख के भागों में व्याकरण में कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ, इन पांच अंगों को मुख के भागों में जाना जाता है। तो स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में कहीं न कहीं कंठ, मूर्धा, तालु, ओठ और दंत में से किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। जिह्वा कहीं न कहीं मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है कि इनके उच्चारण में जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, अर्थात इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उष्म का अर्थ है गर्म, अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतरी भाग में घर्षण से मुंह से गर्म उष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है,
इसलिए इन वर्णों को उस व्यंजन के नाम से जाना जाते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, उष्म व्यंजन 4 हैं, कुल 33 हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त का अर्थ है मिला जुला, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों के मेल से होता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत प्लस मूर्धन्य स इक्वल टू छ, उसी प्रकार त हलंत प्लस र इक्वल टू त्र। इस प्रकार हम सीखते हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र का निर्माण दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से होता है और इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अ और ढ़ दो नए व्यंजन को हिंदी व्याकरण में शामिल किया गया है जो ड और ढ से बने हैं। ड के नीचे बिंदु देने पर उसका उच्चारण अड़ होता है और ढ के नीचे बिंदु देने पर उसका उच्चारण अढ़ा पढ़ते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अढ़ा को ढ पढ़ते हैं, जैसे चढ़, बढ़ को चढ़ और बढ़ पढ़ते हैं। यो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, हमें शुद्ध पढ़ना है चढ़ना बढ़ना। तो इस प्रकार हम दो नए व्यंजनों को अड़ और अढ़ को हिंदी व्याकरण में शामिल करते हैं तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 प्लस 2 35 हो जाती है। संयुक्त व्यंजन को मिलाने पर इसकी संख्या 39 हो जाती है। मूल रूप से व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श, अंतस्थ और उष्म मिलाकर 33 व्यंजन ही है। संयुक्त व्यंजन और दो नए व्यंजनों को शामिल करने पर इसकी संख्या बढ़कर 39 हो जाती है। हमने पढ़ा है 39 संयुक्त व्यंजन, 39 व्यंजन वर्ण और 11 स्वर वर्ण। 39 और 11 मिलाकर 50 होता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अर्थात अंग और अ जिन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं उन्हें हिंदी वर्णमाला में शामिल करने पर वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाती है। तो आपने सीखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। व्यंजन के अतिरिक्त व्यंजन के संबंध में कुछ और बातें हम आपसे साझा करना चाहेंगे। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन से अभिप्राय उन व्यंजनों से है जहां शब्दों के निर्माण में एक व्यंजन स्वर रहित होता है, उस वही व्यंजन पुनः स्वर सहित लिखा जाता है। जैसे सच्चा, कच्चा, पक्का। यहां हम पाते हैं कि पहला च स्वर रहित है, दूसरा च स्वर सहित है और इस प्रकार एक ही प्रकार के व्यंजन का स्वर रहित और स्वर सहित प्रयोग द्वित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं संयुक्ताक्षर, अर्थात दो अक्षरों अथवा वर्णों को जोड़ना। हम लिखते हैं गन्ना, पन्ना, अन्य। तो गन्ना और बन्ना में न द्वित्व व्यंजन भी है और साथ ही साथ ये न संयुक्ति से पढ़ते हैं, न संयुक्त भी पढ़ते हैं, संयुक्त अक्षर की श्रेणी में भी चलते हैं। अन्य वाक्य, अन्य न संयुक्त, वाक्य में क संयुक्त,
अर्थात दो विभिन्न वर्णों के संयोग से बड़े शब्द में हम संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हैं। अन्य, वाक्य, गन्ना, पन्ना, इन सभी शब्दों में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो संयुक्त अक्षर का अर्थ हुआ दो विभिन्न वर्णों का संयोग, एक स्वर रहित वर्ण और दूसरा स्वर सहित वर्ण। यहाँ न स्वर रहित वर्ण है और य स्वर सहित वर्ण है। यहाँ क स्वर रहित वर्ण है और दूसरा य स्वर सहित वर्ण। संयुक्त अक्षर आप समझ गए होंगे। और र के विभिन्न प्रयोग के बारे में हम जानते हैं। पहला है स्वर रहित र। जब र के नीचे हम हलंत लिखते हैं तब भी स्वर रहित हो जाता है। किसी शब्द में र के लिए रेफ लिखते हैं तो स्वर रहित कहलाता है। लिखते हैं सर्प, सर्प में र स्वर रहित है। और वर, तो इस प्रकार स्वर रहित रेफ को हम स्वर रहित र के प्रयोग के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार कर्म, धर्म, पर्वत आदि र के स्वर रहित प्रयोग के उदाहरण है। र का हलंत चिन्ह के रूप में प्रयोग, जब हम र को किसी व्यंजन वर्ण के साथ नीचे छोटी रेखा अर्थात हल चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो उसे हम र का हलंत चिन्ह प्रयोग के रूप में जानते हैं। प्रकार, प्रकाश, क्रम आदि। ट हलंत और ड हलंत के साथ र का प्रयोग, जब हम ट्रक, ड्रामा, ट्रॉली आदि लिखते हैं तो हम र का रूप इस प्रकार लिखते हैं, यथा ट्रक, ड्रामा। नेक्स्ट नंबर चार, र का स के साथ संयोग होने पर र की रचना अथवा र का प्रयोग। जैसे लिखते हैं स्रोत, सहस्त्र, तो सहस्त्र और स्रोत लिखते समय र का इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। इसे हम र का स के साथ संयोग होने पर प्रयोग के रूप में जानते हैं की चर्चा करेंगे। वर्ण विच्छेद से अभिप्राय, किसी शब्द में प्रयोग किए गए अथवा आए हुए समस्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए लेते हैं कल। कल का वर्ण विच्छेद है क हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। इस प्रकार कल शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर हमें चार वर्णों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में एक स्वर वर्ण छिपा रहता है, तो क के साथ अ की मात्रा छिपी है, ल के साथ भी अ की मात्रा छिपी है। दूसरा उदाहरण जलज, ज हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन वर्ण में एक स्वर की मात्रा छिपी है और जलज का वर्ण विच्छेद करने पर हमें छह वर्णों की प्राप्ति होती है। तीसरा शब्द है प्रकार। प्रकार पर संयुक्त क आकार र। पर संयुक्त को इस प्रकार लिखते हैं प हलंत प्लस र प्लस अ इक्वल टू प्र, इक्वल टू प्र। क हलंत प्लस आ का, र हलंत प्लस अ र प्रकार। इस प्रकार आपने वर्ण विच्छेद सीखा। किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे हम बात करेंगे श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण शरीर प्राय क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। यथा क वर्ग में क, ग और अंग अल्प प्राण। उसी प्रकार च वर्ग में च, ज और इय अल्प प्राण। इसके अतिरिक्त अल्प प्राण में, अल्प प्राण से अभिप्राय जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम मात्रा में अर्थात कमजोर वायु मुंह से बाहर निकालती है, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। य, र, ल, व और अड़ को भी अल्प प्राण की श्रेणी में रखा गया है। इनके उच्चारण में भी
मुंह से वायु कम मात्रा में अर्थात कमजोर वायु निकलती है। इसके विपरीत महाप्राण के उच्चारण में मुंह से अधिक मात्रा में और अधिक तेज गति से वायु निकलती है। यथा हम ख बोलते हैं तो ख बोलने में अधिक मात्रा में वायु मुंह से बाहर निकलती है, घ बोलते हैं छ छ आदि सब वर्णों के उच्चारण में मुंह से तेज वायु तथा अधिक मात्रा में वायु निकलती है और ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो महाप्राण की श्रेणी में आने वाले वर्ण हैं ख घ, क वर्ग का, च वर्ग का, छ झ और ट वर्ग का, ठ ढ, त वर्ग का, थ ध, प वर्ग का, फ भ। इसके अतिरिक्त मूर्धन्य ष, दंत स और ह को भी महाप्राण की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार आपने श्वास के आधार पर वर्ण के दो भेद अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ा। इस अध्याय की प्रमुख बातें इतनी ही थी। अब इस अध्याय के प्रमुख प्रश्नों में आप वर्ण विच्छेद क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, स्वरों की कितनी मात्राएं होती है, मात्रा क्या है आदि प्रश्नों को अपने नोटबुक में तैयार करेंगे, जो आपको आने वाली परीक्षा के लिए सहायक होगा। इसके साथ ही हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।